खबरों आप देखना शुरू कर दिए हैं रवि क्रिएटिव जंक्शन फ्रेंड्स। तो ये पटना का जो है डबल डेकर ब्रिज का अपडेट लेकर आया हूं फ्रेंड्स कि पटना का जो है डबल डेकर ब्रिज का जो है पियर कैप का काम शुरू हो गया है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर। तो फ्रेंड्स ये जो है डबल डेकर ब्रिज का जो है पियर कैप का काम जो है स्टार्ट हो गया, यानी कि बनना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि डबल डेकर का जो है पियर कैप का काम जो है शुरू कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। मेरे इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पियर कैप बन चुका है फ्रेंड्स। और देखते हैं कि अभी तक जो है कितना पियर कैप, एक एक अपडेट को देखूंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है पियर कैप का काम शुरू कर दिया गया है। ये डबल डेकर ब्रिज का ब्रिज बनना शुरू हो गया है। देख सकते हैं ये जो है अशोक राजपथ पर अवेलेबल स्थित है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं काम कितनी तेज़ी से किया जा रहा है फ्रेंड्स। ये जो है डबल डेकर ब्रिज का जो है पियर कैप का काम हो रहा है फ्रेंड्स। आप मेरे इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं जो कि पियर कैप का वेल्डिंग का भी काम किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये कितनी बारीकी से वेल्डिंग का फैब्रिकेशन का काम किया जा रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये जो है अशोक राजपथ यानी कि पटना यूनिवर्सिटी से लेकर कारगिल चौक गांधी मैदान तक जो है डबल डेकर ब्रिज का जो है निर्माण हो रहा है फ्रेंड्स। तो आप इस मेरे कैमरे के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट, एक एक अपडेट दिखाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख सकते हैं। ये जो है पियर कैप का काम जो है हो चुका है फ्रेंड्स, अब बन चुका है फ्रेंड्स। देख सकते हैं जो है पियर कैप का काम जो है बन गया है और कार को जो भी काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये डबल डेकर ब्रिज का जो है काम शुरू है फ्रेंड्स। और पियर कैप कहीं पियर कैप भी बनना शुरू हो गया है। पियर कैप का भी काम शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, कुछ बन भी चुका है, कुछ पार्ट्स जो है पियर कैप का बन चुका है। आप देख सकते हैं ये जो है अशोक राजपथ पर बन रहा है पटना यूनिवर्सिटी से लेकर आपको ये जो है कारगिल चौक गांधी मैदान तक बनना है फ्रेंड्स। और देखते हैं फ्रेंड्स कि अभी तक काम का क्या अपडेट है फ्रेंड्स। तो मशीन लगी हुई है, रिग मशीन पाइलिंग का भी काम हो रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये रिग मशीन है और इधर जो है पियर कैप का भी कुछ निर्माण हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो डबल डेकर का कार्य जो है काफ़ी रफ्तार से किया जा रहा है फ्रेंड्स। और ये जो देख सकते हैं आप गेज बना हुआ है, पाइलिंग का भी काम शुरू कर दिए, पाइलिंग का भी काम साथे साथे हो रहा है और पियर कैप का भी काम शुरू हो रहा है। और ये जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है पटना कॉलेज है फ्रेंड्स। आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये पटना कॉलेज है और इधर पियर का भी गड्ढा भी खुदाई किया जा रहा है फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये गड्ढा पाइलिंग के लिए फ्रेंड्स बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं काम जो है काफ़ी रफ्तार से किया जा रहा है पटना का जो डबल डेकर ब्रिज है। देख सकते हैं फ्रेंड्स जो है पिलर का काम हो चुका है और ये पियर कैप के लिए स्टेज को शटर को लगाया जा रहा है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं जो कि अशोक राजपथ फ्रेंड्स जो ये पिलर का जो है काम निर्माण लगभग पिलर का जो है 80% जो है पिलर का निर्माण हो चुका है फ्रेंड्स। और पियर कैप का भी निर्माण लगभग 50-60% लगभग हो चुका। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे इस लाइन की जो पटना विश्वविद्यालय है उसके आसपास का जो भी है पियर कैप का निर्माण हो चुका है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स। ये जो है डबल डेकर ब्रिज का अपडेट है फ्रेंड्स। और इसके बन जाने से आपको फ्रेंड्स जाम जो मिलता है, ट्रैफिक का जो समस्या है उससे जो है काफ़ी निजात मिलने वाली है फ्रेंड्स। जो इधर PMCH की ओर जाने के लिए ट्रैफिक का जो है इतना मशक्कत करना पड़ता है उससे छुटकारा मिलने वाला है फ्रेंड्स। जो कि डबल डेकर ब्रिज बन जाने से आपको ट्रैफिक स्मूथली हो जाएगी, जिससे कि हॉस्पिटल, गांधी मैदान, स्टेशन जाने में समय की बचत होगी और आसानी से कम समय में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो ये डबल डेकर ब्रिज है फ्रेंड्स और इसकी काम का जो रफ्तार है गजब का रफ्तार है फ्रेंड्स। इतनी स्पीड से देखते ही देखते
जो कि पियर कैप तक पहुंच गया है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से अगर स्पीड से काम होता रहा तो फ्रेंड्स पिछले 6 महीने के अंदर जो है ये जो डबल डेकर ब्रिज का जो है सेवाएँ वो तो बंद हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो था डबल डेकर ब्रिज का लेटेस्ट अपडेट था फ्रेंड्स, जो कि ये अशोक राजपथ और ये जो है पटना विश्वविद्यालय से कारगिल चौक यानी गांधी मैदान तक बनना है। और तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं पटना मेट्रो से रिलेटेड अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।